ओ भाई आज तो बुरे फंस गए यार, इतने सारे ट्रक। अभी मैं पैदल आने की कोशिश कर रहा था तो पैदल कहाँ से आया जाएगा, अभी बाइक पे निकल रहे हैं तो बाइक पे देखो ना इतनी टाइम लग रही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये देखो उन सब बच्चों के लिए जो टाइम से पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि जब टेस्ट होता है तो रात में 11:30-12 बजे तक पढ़ाई होती है और फिर वो सुबह होमवर्क जल्दी हो रहा उठती था, है, वो होमवर्क हो रहा था। और अब फिर उस रिवीजन करने के लिए इतनी सुबह सुबह उठी है, नहीं तो सुबह सुबह ये कभी पढ़ाई करती नहीं है। इसका नहाने धोने में खाने पीने में निकल जाता है इसका टाइम तो। दोस्त अभी मैं कहीं जा के आई ना तो एक कॉमेडी हो गई। देखो क्या कॉमेडी हो गई? ओहो, इतने सारे मच्छर खा गए तेरे को, इसका टीटी तो पूरा मच्छर हाथ भर गया मच्छर से। अभी अगर या चेरी और तेरा इतना सारा मीठा खून है क्या? इतना मीठा खून है तेरा? हैं? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना मच्छर हूँ। इतनी लॉलीपॉप खाती है तो मीठा ही हो गया ना तेरा खून, चॉकलेट खा खा के। अगर अभी कीड़ और मच्छर खा जाते तो पूरा गोला बन जाएगा। और हेलो, कैसे हो आप लोग? एकदम मजे में। गुड मॉर्निंग पापा। चेरी की मम्मी पे जब भी कैमरा जाता है तो इसको उबास आने लग जाती है। कैमरे को देख के नींद आती है क्या? चेरी की वजह से मुझे भी पापा जल्दी उठना पड़ रहा है। पापा पापा, आपने आज मम्मी को तोपा भी देखा, तोपा वास्ता देखा। हाँ तो टोपा मास्टर तो है ही ना, और तेरा टोपा कहाँ है? इसको तुम दोनों में ठंड नहीं लगते, मुझे कैसा ठंड लगती है। टोपा भी ठंड लगती है, स्वेटर भी ठंड लगती है, जब फोन का और चलते सब तब भी सुनो। पहनती रहती है। ये बुक तो यहाँ रखी है तूने, ग्रामर तेरी। वो ग्रामर नहीं, होमवर्क कॉपी है। होमवर्क कॉपी उसमें है। सिर्फ ग्रामर लिखा हुआ है, नहीं ग्रामर। और ये चेरी का पानी गर्म हो रहा है अंदर किचन में। चेरी फटाफट नहा ले और जा, 8 बज गए। ये देख 8 बजने वाले हैं दोस्तों, पर मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। कल मौसम की बड़ाई क्या कर दी थी, वापस से मौसम वैसा ही हो गया। चलो भागो रे, अपना दूध आ गया है सुबह सुबह चाय के लिए, दूध लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा रेगुलर दूध वाला तो आता है दोपहर में 2:30 बजे 3 बजे, उसका कोई टाइम नहीं है, लेकिन सुबह सुबह तो चाय चाहिए होती है, इतनी ठंडी में बाहर कौन जाए। इसीलिए जो सोसाइटी के दुकान वाले को बोला हुआ है कि सुबह सुबह 1 पैकेट दूध का रख दिया कर, कम से कम सुबह सुबह चाय तो पी लें। और आज क्या बन रहा है किचन में देखते हैं, कुछ पराठे बन रहे लगता है टेस्ट मेथी के। करो तो। अरे वाह, बहुत मस्त है, स्पाइसी स्पाइसी, मज़ा आ गया। और फ्रेंड्स, मैं आया हूँ अभी बस स्टैंड पर और मुझे जाना है वो सामने वाली ट्रैवल्स वाली ऑफिस में, क्योंकि वहाँ पे पार्टी ने डॉक्यूमेंट भेजा है। तो हम लोगों की पार्टी को जैसे माल छुड़ाना होता है तो वो डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कस्टम में उनका पेपर रेडी करवाते हैं, उसके बाद माल छुड़वाते हैं। डॉक्यूमेंट अपने हाथ में आ गया है तो अब यहाँ आ गया हूँ, तो आपको यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ। बाजार का ज़्यादा हाई फाई नहीं है, अपना कस्बा जैसा एरिया है और गाड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं है। आपको कहीं पे जाना होता है तो बस की जो सर्विस है वो आपको रात को ही मिलेगी, क्योंकि दिन में यहाँ से कोई बसें जाती नहीं है, चाहे आपको काठमांडू जाना है, पोखरा जाना है, दरान जाना है, कहीं पे भी जाना है। हाँ, दिन में आपको मिलेगा टाटा सुमो गाड़ियाँ मिलेगी, क्योंकि उनका रूट थोड़ा अलग है, उनको टाइम भी कम लगता है।
और मैं आ गया हूँ वापस घर पे। और ये तेरोड़ा क्या कर रही है? लॉलीपॉप पढ़ाई होगी तेरी? तो फिर लॉलीपॉप क्यों खा रही है? पढ़ाई करती ना? साथ में बिश्री भी है। हाँ? बिश्री भी है मुंह में। आप आते और ये नहीं पूजा हो? हो गई है। जय श्री कृष्णा। तूने ले लिया प्रसाद? आप भी ले लो। प्रसाद के साथ साथ में लॉलीपॉप खा रही है। और रोज रोज एक जैसे सर्दी वाले कपड़े पहनने के बाद नहाए हुए जैसे लगते नहीं आदमी। ये देखो क्या करें, दाई हुई, दाई स्वेटर तो हुई। पहननी पड़ती है, टॉपर भी पहनना पड़ता है, वरना जुकाम हो जाए तो फिर दवाइयाँ लो, गर्म गर्म चाय पियो। अरे यार, आज ये ट्रकों का इतना बड़ा मेला कहाँ से आ गया? चारों तरफ ट्रक ही ट्रक खड़े हैं। और मुझे सामने गोडाउन में जाना है। लगता है आने के टाइम में तो बाइक पे आना पड़ेगा, बाइक ही लेके आनी पड़ेगी। आज क्या बात है, आज इतने सारे ट्रक कहाँ से आ गए? इतनी सारी भीड़ है सामने पार्किंग से, यहाँ आने में इतनी सारे इतना टाइम लगा दिया। और ये पार्टी का सामान आया है पंखे का, यही देखने आना था। तो मेरा काम तो हो गया, और मुझे पता है इतना सारा ट्रैफिक जाम लगा है, तो मैंने तो बाइक उठा ली मेरी। पैदल चल के कौन टाइम पास करेगा यहाँ पे? अब चलते हैं घर पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।